आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, HBN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें नॉनस्टॉप। लॉकडाउन का कमाल, वर्षों बाद काठमांडू से दिखा माउंट एवरेस्ट। अम्फान चक्रवात से बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश की आशंका, NDRF की 17 टीमें तैनात। गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शहीद, पुलिस के 3 जवान जख्मी। राजकोट में प्रवासी मजदूरों ने वाहनों में की तोड़फोड़, यूपी बिहार की स्पेशल ट्रेनें रद्द होने के कारण किया हंगामा। हरियाणा में एक दिन में 76 मरीजों को अस्पतालों से मिली छुट्टी, रिकवरी रेट में सुधार। अलग अलग राज्यों से 16.5 लाख प्रवासी मजदूर यूपी पहुंचे। एमपी में 10वीं के बाकी पेपर नहीं होंगे, मार्कशीट में इनके आगे पास लिखा होगा। 12वीं के पेपर 8 जून से 16 जून के बीच। एयरलाइंस कंपनियों ने DGCA और एविएशन मंत्रालय से कहा कि हम उड़ान भरने को तैयार, लेकिन सारे क्रू मेंबर्स PPE किट पहनेंगे। केंद्र ने कहा कि अगर प्रवासी मजदूर सड़कों पर दिखाई दे तो उन्हें शेल्टर में ले जाए, उन्हें खाना पानी दे और उनके लिए ट्रेन और बस की व्यवस्था करना राज्यों की जिम्मेदारी। क्या प्रियंका गांधी पर मायावती ने किया प्रहार, कहा यूपी के बजाय पंजाब और चंडीगढ़ बसे भेजे कांग्रेस।